तीन दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी हैं। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ दो सवाल थे, पहला योर फुल नेम और दूसरा सवाल है कार का कौन सा टायर पड़ गया था। ए आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम भूल का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा तुम पढ़ो लिखो। रोबोट माँ और वैज्ञानिक बेटे का अनोखा प्यार। अभिषेक के पिता सौरभ एक बड़े डॉक्टर थे और अपने पेशे पर उन्हें बहुत गर्व था। उन्होंने आज तक किसी मरीज को अपने पास से निराश नहीं जाने दिया था। पूरे शहर में उनकी बड़ी इज्जत थी, यहाँ तक कि शहर को डॉक्टर सौरभ के नाम से जाना जाता था। ये उस दिन की बात है जब डॉक्टर सौरभ को हल्का बुखार था और वह आज घर पर ही आराम कर रहे थे। तभी अभिषेक अपने कॉलेज से घर आया। अभिषेक वैज्ञानिक था और उसने अपनी स्वयं की बड़ी प्रयोगशाला बनाई हुई थी। उसने कई बार असाध्य बीमारियों की ऐसी दवाइयां तैयार की थी कि सारी दुनिया में उसका नाम हो गया था और उसे राष्ट्रपति से भी इनाम मिला था। डॉक्टर सौरभ ने अपने बेटे अभिषेक से कहा, बेटा न जाने क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारी माँ भी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं सुबह से ही परेशान हूँ, कई बार उन्हें फोन भी करा लेकिन फोन नहीं लगा। वह बिना बताए तो मुझे कहीं जाती नहीं है, इसलिए चिंता हो रही है। जरा एक बार देख कर आओ माँ कहाँ है। मेरे शरीर में तो इतनी थकान है कि उठने की भी शक्ति नहीं है। अभिषेक ने कहा, अरे पिताजी माँ पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हैं। इतनी बार कहा है कि कोई नौकरानी रख लो पर माँ मानती ही नहीं, थक गई होगी और सो गई होगी। मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ, आप आराम करिए। अभिषेक पूरे घर में ढूंढने लगा पर उसे उसकी माँ चंदा कहीं दिखाई नहीं दी। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि चंदा बिना किसी को कुछ भी कहे चली गई थी। अभिषेक ने मन ही मन सोचा कि हो सकता है माँ को कोई काम हो, वरना ऐसा नहीं करती। उसे भूख लगी थी इसलिए वह रसोई में चला गया। रसोई में जाते ही अभिषेक की चीख निकल गई। उसने देखा उसकी माँ के चेहरे पर काले रंग की खतरनाक धारियां पड़ी हुई थी और पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। वह जमीन पर पड़ी हुई थी। अभिषेक जल्दी जल्दी माँ को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी पतली दुबली माँ का शरीर मानो भारी हो गया था और वह उन्हें उठाकर बेडरूम तक लाने में नाकामयाब हो गया। उसने अपने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी पिताजी जल्दी आइए, देखिए माँ को क्या हो गया है। अभिषेक की घबराई हुई आवाज सुनकर डॉक्टर सौरभ किसी तरह खुद को संभालते हुए जब रसोई में पहुंचे तो अपनी पत्नी चंदा का हाल देखकर उनके मुंह
खुश हो गए। चंदा के गले में एक मोतियों का हार था। उन्हें याद आने लगा कि दो दिन पहले जब वह अस्पताल में गए थे तो एक अनजान बीमारी से संक्रमित महिला वहां आई थी, जिसके चेहरे पर इसी प्रकार की धारियां पड़ गई थी और पेट गुब्बारे के समान फूल गया था। देखते ही देखते उसका शरीर भारी हो गया और वह दम घुटने की शिकायत करने लगी। उसके गले में ये मोतियों की माला थी, जिसे डॉक्टर सौरभ ने तुरंत उसके गले से बाहर निकाल दिया ताकि वह आसानी से सांस ले सके। लेकिन कुछ ही मिनटों में उस महिला की मौत हो गई थी और पोस्टमार्टम में भी उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। शायद उस महिला का हाथ टेबल से फिसल कर नीचे रखे डॉक्टर सौरभ के बैग में गिर गया था, और जब डॉक्टर सौरभ की पत्नी चंदा ने अपने पति के बैग में माला देखी तो उसे अपने लिए समझकर उसे पहन लिया और वह भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो गई। डॉक्टर सौरभ अच्छी तरह से समझ गए थे कि जिस महिला की मृत्यु हुई थी वह महिला किसी असाध्य संक्रमण का शिकार थी और उसकी माला के द्वारा वह संक्रमण उनकी पत्नी को भी हो गया है, और हो सकता है कि उन्हें भी इस संक्रमण का असर हुआ हो जिसके कारण उनकी तबीयत खराब है। और क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट महिला की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था और इस्तेमाल नहीं करा था, इसलिए उनका संक्रमण उतना घातक नहीं था जितना उनकी पत्नी को माला पहनने के कारण हो गया। उन्होंने इस पूरी बात की खबर अपने बेटे अभिषेक को दी। अभिषेक अपनी माँ का बड़ा ही दुलारा था और माँ के बिना जीवन जीने की बात सोच भी नहीं सकता था। अभिषेक के पिता बोले, सौरभ एम्बुलेंस को फोन करो, मैं तुम्हारे माँ के शरीर को प्रयोग के लिए अस्पताल को दान करना चाहता हूँ ताकि हम दूसरे मरीजों को इस बीमारी से बचा सके। अभिषेक ने अपने पिता से प्रार्थना की, पिताजी मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं माँ को लेकर कहीं नहीं जाना चाहता, मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप माँ को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं अपनी प्रयोगशाला में माँ के ऊपर अपनी दवाइयों का प्रयोग करना चाहता हूँ। डॉक्टर सौरभ ने उसे समझाया और कहा, देखो बेटा, यह बीमारी गंभीर संक्रमण की बीमारी है। मुझे शक है कि इसका संक्रमण मुझे भी हो गया है, लेकिन मैंने मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे, इसलिए शायद मेरा संक्रमण उतना तीव्र नहीं है जितना तुम्हारी माँ को हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसके शिकार हो बेटा। वैसे भी मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और जब तक यह संक्रमण ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं हॉस्पिटल में ही रहने वाला हूँ। डॉक्टर सौरभ की लाख मना करने के बाद भी अभिषेक नहीं माना और अपनी माँ के शरीर को लेकर अपनी प्रयोगशाला में बंद हो गया। 4 दिन बीत गए थे। अभिषेक सिर्फ चंद मिनटों के लिए ही बाहर आता, जरूरी सामान लेता और फिर प्रयोगशाला में बंद हो जाता। 5वें दिन अभिषेक की प्रयोगशाला का दरवाजा खुला और वह अपनी माँ को लेकर बाहर आ गया और माँ से बोला, माँ तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम दोनों मिलकर पिताजी को देखने अस्पताल चलेंगे। चंदा ने सहमति से सिर हिला दिया और कुछ ही क्षणों में वे दोनों तैयार होकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर सौरभ चंदा को चलता फिरता देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि चंदा का शरीर पहले से काफी ज्यादा स्वस्थ लग रहा था और वह पूरी उसके चेहरे पर प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही थी, लेकिन वह हर बात का सही जवाब दे रही थी और सामान्य रूप से बातचीत कर रही थी। अचानक चंदा के ऊपर एक मक्खी मंडराने लगी। डॉक्टर सौरभ ने जब मक्खी को हटाने के लिए अखबार से मक्खी को मारा तो अखबार चंदा के सिर पर लगा और उसके सिर पर लगे बालों का कुछ भाग नीचे गिर गया, लेकिन चंदा को इससे कोई असर नहीं पड़ा और वह चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के डॉक्टर सौरभ से बातचीत करती रही।
डॉक्टर सौरभ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक उन्होंने चट्टा का हाथ पकड़ लिया और उसकी नब्ज देखने की कोशिश करने लगे। दोनों यह देखकर हैरान रह गए कि चंदा की नब्ज नहीं चल रही थी, बल्कि चंदा का हाथ एक लोहे के रॉड के समान महसूस हो रहा था। उन्होंने चंदा के हाथ को अपनी शक्ति के अनुसार जोर से दबाया, लेकिन चंदा बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप बात करती रही। डॉक्टर सौरभ को विश्वास हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अभिषेक चंदा को उनके पास छोड़कर अपने कॉलेज चला गया था। डॉक्टर सौरभ ने चंदा को अपने पास बुलाया और उसे घूमने के लिए कहा। जब वह घूमी तो डॉक्टर सौरभ ने देखा कि उसके पीछे एक जिप लगी हुई थी, जिसे बड़ी ही सफाई से उसके ब्लाउज के नीचे छुपा दिया गया था। डॉक्टर सौरभ ने उसको खोला तो अंदर उन्हें एक पूरा कंप्यूटर नजर आया, जिसमें बहुत सारी अलग अलग रोशनियां चल रही थी। उन्होंने तुरंत जिप बंद कर दी और चंदा को वापस बैठ जाने को कहा। वे बोले, चंदा तुम्हारा क्या परिचय है? यह सुनकर चंदा बोली, मेरा परिचय है चिप नंबर 7007। डॉक्टर सौरभ बोले, तुम क्या कर सकती हो? चंदा बोली, मुझे चंदा बनने का प्रोग्राम किया गया है। मेरे शरीर के सारे सर्किट चंद्रा के ब्रेन से अटैच हैं। मेरे अंदर चंदा की आवाज और उसके एक्शन की कॉपी इंस्टॉल की गई है। मेरा रजिस्टर्ड नाम माँ है। डॉक्टर सौरभ पूरी तरह से समझ गए कि अभिषेक ने अपनी माँ की एक कॉपी के रूप में रोबोट का निर्माण किया है और उसमें अपनी समझ के अनुसार अपनी माँ की सारी गतिविधियां, उनकी आवाज और उनके एक्शन डाल दिए हैं। कुछ देर के बाद अभिषेक वापस आ गया और बोला, कैसी हो माँ? चलो माँ, हम दोनों घर चले। अब तुम्हें मेरे लिए खाना भी तो बनाना है। उसके बाद पिताजी के कपड़े को तैयार करके पिताजी को भी घर ले आएंगे। डॉक्टर सौरभ ने अभिषेक से कहा, अभिषेक तुमने अपनी माँ के शरीर के साथ क्या किया है? मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि माँ के रूप में बनाई गई एक रोबोट है। मुझे पता है कि तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हो और उसके बिना नहीं जी सकते, लेकिन उसके लिए यह तरीका ठीक नहीं है बेटा। अभिषेक बोला, पिताजी यही मेरी माँ है। मैंने माँ के शरीर से अपने प्रयोगों द्वारा उनकी गतिविधियों के कई सैंपल निकाल लिए और उनके शरीर को डिस्पोज कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी इस मामले में आगे मुझसे बातचीत करें। यदि आपने मेरे और मेरी माँ के बीच में आने की कोशिश करी तो मैं माँ को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। डॉक्टर सौरभ ने अभिषेक का यह पागलपन देखा तो वह समझ गए कि उन्हें किसी भी तरह से अभिषेक को रोकना होगा और उन्होंने इसकी खबर पुलिस को दे दी। पुलिस वाले पागल खाने वाले लोगों के साथ आए और अभिषेक को ले जाकर पागल खाने में बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर सौरभ वापस अपने घर आए तो वे ये देखकर हैरान हो गए कि घर में अभिषेक की बनाई हुई रोबोट चंदा सारा काम कर रही थी। डॉक्टर सौरभ को देखते ही वे बोली, आप आ गए, मेरा बेटा कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने अभिषेक को नहीं देखा है। आपकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। मुझे लगता है कि आपको इसका फल भुगतना ही चाहिए। और उसने अपने हाथ की एक उंगली डॉक्टर सौरभ के आगे कर दी। उस उंगली से एक तेज प्रकाश निकलने लगा और डॉक्टर सौरभ हवा में उड़ने लगे। बहुत मुश्किल से चंदा ने उन्हें नीचे उतारा। उसके बाद चंदा ने पागल खाने वालों को फोन किया और कहा, मेरे पति पूरी तरह से पागल हो गए हैं और न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गलत बातों के जरिए
मेरे बेटे को भी पागल खाने में बंद करवा दिया है। आप दया करके मेरे बेटे अभिषेक को छोड़ दें और मेरे पति सौरभ को ले जाएं। डॉक्टर सौरभ पूरी तरह से डरे हुए थे। कुछ ही देर में पागल खाने वाले अभिषेक को लेकर डॉक्टर सौरभ के घर आ गए। अभिषेक वैन से उतरते ही अपनी माँ चंदा के गले लग गया और पागल खाने वाले डॉक्टर सौरभ को पकड़कर पागल खाने ले गए। डॉक्टर सौरभ जोर जोर से चीख रहे थे, अरे वह औरत औरत नहीं है, यह मेरी पत्नी नहीं है, वह तो रोबोट है, उसने मुझे हवा में उड़ा दिया था। उनकी बातें सुनकर सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन अभिषेक और उसकी माँ चंदा बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद अभिषेक अपनी माँ के साथ पागल खाने गया और अपने पिता से बोला, पिताजी आप भी तो माँ से बहुत प्यार करते थे, अगर अब रोबोट के रूप में माँ हमारे साथ है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है, हम सब मिलकर माँ के साथ माँ की यादों को इस तरह भी अपना सकते हैं। डॉक्टर सौरभ को अपने बेटे की बात बहुत अच्छी लगी और वे खुशी खुशी घर लौट आए। अभिषेक और उसकी माँ के प्यार की यह कहानी माँ बेटे के प्यार का एक अनोखा उदाहरण है। इसके बाद